हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नरेंद्र, मेरे चैनल टेक गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक नया लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं। नया मॉडल है और ये लैपटॉप जो है अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस लैपटॉप में आप क्या क्या यूज़ कर सकोगे, क्या क्या नहीं, और प्राइस वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, इसके मॉडल कॉन्फिगरेशन वगैरह। तो दोस्तों मेरी वीडियो के एंड तक में बने रहना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैं इसी तरह से लैपटॉप अनबॉक्सिंग की वीडियो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वीडियो, लैपटॉप टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, ढेर सारी वीडियो लेके आते रहता हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो लैपटॉप जो आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं, एचपी का। ये लैपटॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है, एचपी का लैपटॉप है, ये नया मॉडल है, नया लॉन्चिंग है ये। इसके साथ में देखिए आपको चार्जर था और यूज़र मैनुअल बुक था, जो कि उसमें लिखा रहता है कि इस तरह से केबल लगाने का, किस तरह से यूज़ करने का। अगर आपको पढ़ना है, आप कभी बाय करते हो तो आप पढ़ सकते हो। लुक देखिए, लुक काफ़ी बढ़िया है। इसी तरह से सेम अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने HP का EG2035TU करके HP Pavilion 15 का मैंने अनबॉक्सिंग किया हुआ था। सेम लुक इसी तरह से उसका भी लुक था, और ये भी इसका जो है वो भी i5 12 Gen था। ये भी जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ कौन सा ये जनरेशन है, क्या है। तो फ्रंट साइड का लुक आपने देखा, काफ़ी बढ़िया लुक है। बैक साइड का देखिए, यहाँ पे देखिए स्पीकर लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे हीटिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया रहता है, बना रहता है बाहर निकलने के लिए। स्लिम लैपटॉप लग रहा है। वैसे HP Pavilion का लैपटॉप जो होता है, HP में प्रीमियम जो है मॉडल के तौर पर वो लोग देखते हैं, तो ये प्रीमियम मॉडल में आता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आता है, और इसकी जो है एल्यूमिनियम जो है बॉडी इसकी आती है, जो बैक पैनल होता है, और काफ़ी अच्छा लैपटॉप आता है ये। इसका जो है टिकाऊ लैपटॉप रहता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह करना है तो आप लेके कर सकते हो। तो लैपटॉप का आपका कीबोर्ड देख के आपको पहले ही साइज़ देख के पता चल गया होगा कि लैपटॉप जो है 15.6 इंच का लैपटॉप है, 15.6 इंच का है। यहाँ पर देखिए आपको लोगो भी दिख रहा होगा कि क्या कौन सा प्रोसेसर है। यहाँ पर टच पैड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, टच पैड भी क्योंकि कोई ये नहीं है, ज़्यादा नीचे तक प्रेस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पामरेज इसे बोलते हैं, पामरेज की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए MS Office, i5 और NVIDIA ग्राफिक कार्ड और फिंगरप्रिंट दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है i5 11 Gen, i5 12 Gen है, फिंगरप्रिंट है, और इसमें NVIDIA का जो है ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है। MS Office का भी स्टिकर लगा है, यानी कि इसमें आपको MS Office भी मिल जाता है। तो इसका जो है कीबोर्ड की क्वालिटी आप देखिए, इसे मैक्सिमम आपने HP में जो है सिल्वर कलर का लैपटॉप देखा होगा, जिसे HP Pavilion DB2014 ये टाइम पे चल रहा है i5 12 Gen का। तो ये लैपटॉप जो है ये फॉग ब्लू कलर का है, ये जो है फॉग ब्लू कलर का है, और मैक्सिमम जो है HP का जो है 12 जनरेशन में या 11 जनरेशन जो राइजन में देखेंगे तो उसका जो है सिल्वर आता है। यहाँ पर देखिए इसमें HDMI पोर्ट है, Type-C पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिल जाता है, ऑडियो जैक का मिलता है, इतने सारे पोर्ट आपको इसमें मिल जाते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम 2 USB आता है, 1 HDMI आता है, 1 Type-C आता है, ऑडियो जैक का आता है, चार्जर का पोर्ट वहाँ पे है। पावर का इसका जो बटन दिया हुआ है वो कीबोर्ड में ही दिया हुआ है, पावर का जो बटन है कीबोर्ड में दिया हुआ है। वैसे जो है अगर कीबोर्ड के बाहर पावर का की रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए बैकलिट कीबोर्ड भी इसमें दिया हुआ है, पावर का बटन प्रेस करते हैं इसकी लाइट जो है ऑन हो गई है, ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ में है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मेरे लैपटॉप का बैकलाइट कीबोर्ड ऑन कैसे करें, तो मैं उसका वीडियो भी डालते रहता हूँ। तो कभी भी दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है तो मैक्सिमम F4, F5, F7 उसी के आसपास में आपको कीबोर्ड दिखेगा, वहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड लाइट का मार्क दिखता है। अगर नहीं है तो वहाँ पर वो फ्री रहता है, मार्क नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए हीटिंग के लिए, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए डिस्प्ले के नीचे बना के दिया हुआ है। मैक्सिमम आजकल के जो लैपटॉप आते हैं सब नीचे ही आते हैं, पहले की कंपनी लेफ्ट साइड या राइट साइड में बनाती थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। लोग गद्दे तकिए वगैरह रख के यूज़ करते थे, जिसके वजह से हीट ज़्यादा हो जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था। तो जिसके वजह से कंपनी ने अभी जो है डिस्प्ले के नीचे बनाना चालू किया है कि वहाँ से हीटिंग इसका जो होता है वेंटिलेशन बाहर निकलते रहेगा, और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको वो उसके लिए प्रिकॉशन भी नहीं वापरना है। और दोस्तों लैपटॉप जो है इसका सेटअप मैं कर रहा हूँ, सेटअप का वीडियो मैंने अभी जस्ट पहले भी डाल के रखा हुआ है। जितना भी मैंने सेटअप का वीडियो डाला हुआ है काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है उसमें, लोग उसको पसंद करते हैं। मैंने HP के लैपटॉप के, डेल लैपटॉप के, सारे के मैक्सिमम ब्रांड के सेटअप डाल के रखे हुए हैं। जैसे अगर विंडोज़ 11 है तो सारे के सारे लगभग सेम ही सेटअप आपको मिलेगा ओपन करने के लिए। उसका आपको जो है
इंडिया सेलेक्ट करना रहता है, इंग्लिश इंडिया नेक्स्ट सेटअप करना रहता है, वाईफाई का पासवर्ड आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो और इसके बाद में मोबाइल का हॉटस्पॉट नेक्स्ट करने के बाद में हॉटस्पॉट बंद करके और नेक्स्ट कर दीजिए, आपका लैपटॉप फटाफट जो है सेटअप उसका स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये लैपटॉप ऑन हो गया है, इसका सेटअप मैंने फटाफट करके दिखाया। इसमें आप देखिए ब्लूटूथ मिलता है आपको, वाईफाई मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एंटीवायरस इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, मैकेफे का एंटीवायरस आपको जो है ट्रायल वर्जन वन मंथ के लिए मिलता है। अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे, नया लैपटॉप अगर आपका है तो आप देखेंगे 299 में ही लगभग वो आपको वन ईयर का देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे प्रोसेसर देखिए i5 12th gen जो है यहाँ पे प्रोसेसर इसका दिया हुआ है और इसमें 12 कोर यहाँ पे देखिए नीचे देखिए 12 कोर दिख रहा है और थ्रेड जो है 16 दिख रहा है। मेमोरी देखेंगे तो 16 GB का मेमोरी दिया हुआ है और 16 GB रैम के साथ में यहाँ पे देखिए दो स्लॉट है, दोनों में 8 GB + 8 GB रैम दिया हुआ है। तो इससे ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो इसके लिए आपको कंपनी में एक बार बात करना पड़ेगा कि इसमें और अपग्रेड कर सकते कि नहीं। SSD की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 512 GB का SSD दिया हुआ है इसमें। SSD तो ऑफकोर्स आप अपग्रेड कर सकते हो, बट इसके लिए अलग से स्लॉट है कि नहीं है उसके लिए मैंने वीडियो भी डाल के रखा हुआ है, उसके लिए आप HP में कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हो, अलग से स्लॉट नहीं है। ये वाला जो SSD है 512 रिमूव करके अप टू 1 TB तक आप डाल सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए IRIS XE का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है इसमें, IRIS XE का भी है प्लस आपको जो है NVIDIA का भी यहाँ पे देखिए 550 का ग्राफिक कार्ड MX 550 का दिख रहा है 2 GB का, जो कि आपको अगर आपको इसमें जो है एडिटिंग, बहुत से लोग पूछते हैं कि एडिटिंग कोडिंग वीडियो और कोरल वगैरह फोटोशॉप वगैरह, तो ये सब के लिए आपको ये लैपटॉप परफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है i5 12th gen है, 16 GB रैम है इसमें और 16 GB रैम के साथ में इसमें आपको जो है 2 GB ग्राफिक कार्ड भी दिया। तो दोस्तों इसको मैंने टर्न ऑफ किया था, टर्न ऑफ बहुत जल्दी हुआ है और इसको अभी मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं रिबूट पावर ऑन करके बूटिंग स्पीड आपको दिखा देता हूँ कितने टाइम में ये बूटिंग स्पीड होता है। वैसे मैक्सिमम देखेंगे तो अभी नया लैपटॉप ऑन हुआ है, वाईफाई भी मैंने कनेक्ट किया हुआ था तो इसमें अपडेट लेता है तो थोड़ा सा 15-20 सेकेंड तक जा सकता है। वैसे मैक्सिमम देखेंगे 10-12 सेकेंड में लैपटॉप जो है नॉर्मली बूट होकर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, i5 12th gen, 16 GB रैम और 512 GB SSD, 2 GB NVIDIA, 550 MX 550 का ग्राफिक कार्ड भी है। तो इसमें आपका कोडिंग हुआ, कोरल ड्रॉ ऑटो और एडोब प्रीमियर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब चीज़ें जो है आप आराम से ऑफिस यूज़ होम यूज़ तो एकदम बेसिक है इसमें आप कर सकते हो और इसका जो बजट है आपको 70 के आसपास में जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें अगर आपको लैपटॉप लेना है कोडिंग वगैरह के लिए तो बेसिकली एकदम अच्छे से आप ये ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, प्रॉपर इसमें चलेगा। इसमें फिंगरप्रिंट भी है और MS Office भी इसमें दिया हुआ है, विंडोज़ 11 भी दिया हुआ है, तो सब मिला के लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। फिर भी अगर आपको लगेगा कि आपका ये रिक्वायरमेंट है और ये यूज़ में ये लैपटॉप चलेगा कि नहीं चलेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं लैपटॉप अनबॉक्सिंग की वीडियो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वीडियो, लैपटॉप टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, MS Office की वीडियो, ढेर सारे मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ डेल लैपटॉप का और जो है HP सारे ब्रांड के लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लेके आते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।